ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज है 15 जुलाई यानी कि सावन की शिवरात्रि। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें। आपको ये भी पता है कि गुरु जी आज ऑनलाइन पूजन कराएंगे, जिसको वो टीवी पे कराएंगे और हम लोग घर पे देख करके वही पूजन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं। एक डाउट यहाँ पर निकल करके आ रहा था तो मैंने सोचा कि कितना रिप्लाई करूंगा यूट्यूब पे, चलो एक वीडियो ही बना देता हूं छोटा सा कि भैया एक बात बताओ कि पूजन के बाद हम खाएं क्या, मतलब जैसे पूजन हो गई तो उसके बाद हम खाएं क्या, अब हम कुछ भी खा सकते हैं क्या। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ सुनते जाओ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया होगा और अच्छे तरीके से सुखा रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जब पार्थिव शिवलिंग की आप पूजन अर्चना कर लें, जैसे गुरुजी रात को 9 बजे पूजन कराएंगे, उस टाइम पे जो भी चढ़ाने वगैरह के लिए कहेंगे आप चढ़ा वगैरह लेना। उसके बाद वहीं पर आपको विसर्जन कैसे करना है, इसकी वीडियो आई गई है, बार बार नहीं बताऊंगा। जब विसर्जन कर लेना तो विसर्जन करने के बाद क्या करना होगा, बाकी जो बात आती है खाना खाने वाली, उसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन व्रत रहे होंगे, ठीक है, और मेरे बहुत सारे भाई बहन क्या हैं, व्रत नहीं थे। अब इनको दोनों लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं। देखो, आप में से जो भी भाई बहन व्रत हैं, देखो इसमें कोई नियम नहीं कि आपको व्रत रहना ही रहना है, लेकिन मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन बताया था। जिसने नहीं देखा आप क्या ही बताऊं उनको, मैंने बताया था कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का ये जो संयोग है सावन के महीने में बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही दिन प्रदोष भी पड़ जाए, एक ही दिन शिवरात्रि भी पड़ जाए और वो सावन का महीना हो। तो मैंने आपसे बताया था कि कोशिश करिएगा कि अगर आपकी तबीयत ठीक रहती है, आप हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, तो आप व्रत जरूर रहना, बिल्कुल व्रत रहना। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो आपको व्रत नहीं रहना है। मैंने ये भी बताया था कि बच्चे व्रत नहीं रहेंगे, मैंने ये भी बताया था कि प्रेग्नेंट लेडी व्रत नहीं रहेंगी, मैंने ये भी बताया था कि बच्चे व्रत नहीं रहेंगे। बात आती है खाने वाली कि अगर आप व्रत हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ व्रत में खाई जाती है, फलाहार हो गया, फापड़ का आटा हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया, कुछ भी बना करके व्रत वाला भोजन आप जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे उसके बाद खाएंगे। चाहे विसर्जन आप सुबह करेंगे चाहे शाम को करेंगे, उसके बाद आपको जैसे सुबह कर दें तो उसके बाद तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम के टाइम पे करते हैं, व्रत आपका उस दिन है, तो आपको फिर इस तरीके से कोई सा भी खा सकते हैं जो फलाहार में व्रत में खाया जाता है। जैसे दही खा लो, फाफड़ कांटा, कुट्टू, जो भी आता है वो खा लो, आलू उबाल लो, अच्छे तरीके से खा सकते हो, है ना, मखाना खा सकते हो, जो भी चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। बट अगर मेरे जो भी भाई बहन व्रत नहीं है, बिल्कुल नहीं है व्रत, तो आपके घर में जो कुछ भी बना हुआ है, जैसा भी पकवान बना है, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक डाउट और है कि भैया लहसुन प्याज हम डाल सकते हैं क्या, तो अगर कोशिश कर सकते हो कि ना डाला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका उसके बिना काम नहीं चलता है तो आप डाल सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप व्रत ही नहीं है तो उसमें लहसुन प्याज का कोई नाम आना ही नहीं चाहिए, है ना। समझ में आई क्या बात मेरी? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। विसर्जन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी वीडियो आ गई है, 2 बजे मैंने डाल रखी है। जिसने नहीं देखी चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आप कुछ भी डाउट होता है खाने पीने को लेकर के, या फिर कैसी भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझसे फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, और मेरी आवाज़ जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, मैं भी आपका भाई हूं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।